सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और कल की वीडियो पार्ट वन थी, और आज की इस वीडियो में जो हमारी कहानी है उसे हम कंटिन्यू करेंगे, और ये वीडियो होने वाली है उस कहानी का पार्ट टू। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसे देखे बिना आपको कहानी जो है वो समझ नहीं आएगी। तो जब आप उसे पूरा सुन लें तब आप ये वाली वीडियो देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, और सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी और आवाज़ आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट टू को। आकाश के शरीर में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखें काफ़ी वक्त बाद खुली। जब उसकी आंखें खुली तब उसने आसपास देखा। उसे अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। ये कहाँ आ गया मैं? हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आकाश को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। तभी वहां पर लाइट चली और फिर आकाश ने देखा कि वो स्टेज पर था और एक पिंजरे में बंद था, और उसने देखा कि कई सारे लोग कुर्सियों पर बैठे थे और आकाश स्टेज पर था। काफी ज्यादा शोरगुल हो रहा था। तभी वहां एक आवाज गूंजी, तो वक्त आ गया है अब सबसे खतरनाक शो का, और इस शो में ये बच्चा आप सभी को नोखीले नोखीले कांच के टुकड़ों पर चल कर दिखाएगा। तभी वो पिंजरा खुल गया और आकाश ने बाहर देखा तो काफी ज्यादा कांच के टुकड़े वहां बिखरे हुए थे। और तभी आकाश को एक कोने से आवाज आई, ओए सुन, चुपचाप से उन कांच के टुकड़ों पे चल, वरना इस लड़की की गर्दन को काट के रख दूंगी। आकाश ने देखा कि उस बुढ़िया ने उस लड़की के गले पर एक चाकू रखा हुआ था, और आकाश ये सब देख के काफी ज्यादा डर गया। वो बुढ़िया उस लड़की को कुछ करना दे, इसलिए आकाश ने उन कांच के टुकड़ों पर चलना शुरू कर दिया, और वो सारे कांच के टुकड़े आकाश के पैरों में घुसने लगे। आकाश को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ उसी लड़की की शक्ल देख रहा था, और उस लड़की की शक्ल देखने की वजह से आकाश को दर्द महसूस नहीं हो रहा था, बस वो चले जा रहा था। जो लोग उसे देख रहे थे वो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, जैसे उनके अंदर इंसानियत मर चुकी हो। एक छोटा सा बच्चा कांच के टुकड़ों पर चल रहा था, उसके पैर खून से सन गए थे और उन्हें मजा आ रहा था। उस बुढ़िया ने उस लड़की का मुंह बंद कर रखा था और वो लड़की सिर्फ रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे आकाश को कांच पर चलता हुआ देखकर। आकाश काफी देर तक चलता रहा, और उसके बाद जब उस बुढ़िया ने देखा कि वक्त ज्यादा हो गया है, तब उस बुढ़िया ने फिर से अनाउंसमेंट की, तो आज का शो खत्म हुआ, दोबारा जरूर आइएगा। सारे लोग धीरे धीरे कुर्सी से उठने लगे और वहां से जाने लगे, और जब सब लोग वहां से चले गए तब आकाश वहीं जमीन पर गिर गया और उसके खून से पूरा स्टेज रंग गया था। आकाश वहीं पर जमीन पे पड़ा पड़ा तेज तेज सांसें ले रहा था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी उस बुढ़िया ने उस लड़की को कहा, जा बचा ले अपने दोस्त को। जा। ये कहकर उस बुढ़िया ने उस लड़की को धक्का दे दिया
स्टेज पर कांच बिछे हुए थे, लेकिन उस लड़की ने किसी भी कांच की कोई परवाह नहीं की और वो भागते हुए आकाश के पास पहुंची और उसने आकाश के पैरों को देखा। तब आकाश के पैर पूरे खून से लाल हो चुके थे और स्टेज पर भागने की वजह से उसके पैरों में भी काफ़ी कांच घुस गए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने रिया और आकाश को उठाया और वहाँ से लेकर चला गया। उसने उन दोनों को एक पिंजरे में डाल दिया और उसे बंद कर दिया। आकाश की जब आंखें खुली तब उसने देखा कि वो लड़की वहीं पर उसके बगल में बैठी हुई है और उसे देखकर रो रही है। जब आकाश ने उस लड़की को रोते हुए देखा तब उसने उस लड़की से कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, अपने पैरों की तरफ नज़र डालो। और फिर आकाश ने अपने पैरों को देखा तब तो उसे भी सिर्फ खून ही नज़र आया। उसके पैर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। और फिर आकाश ने हंसते हुए कहा, अरे क्या हो गया, खून ही तो है, बहने तो हाँ। और जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसने गुस्से में कहा, तुम पागल हो क्या, तुम्हारा इतना खून बह गया है और तुम कह रहे हो कि रहने दो। और फिर आकाश ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो दर्द है सह लूँगा, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे ना तब हम खुशी खुशी रहेंगे, कोई हमें परेशान नहीं करेगा, तुम मेरे साथ चलोगी ना? जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने रोते हुए ही कहा, यहाँ इतना सारा खून बह चुका है, मेरे पैर से भी खून बह रहा है, यहाँ जिंदा रहने की उम्मीदें कम हो रही हैं और तुम्हें अभी भी लग रहा है कि हम दोनों यहाँ से निकल पाएंगे? और फिर आकाश ने कहा, हालात चाहे जैसे भी हो, जिंदगी चाहे जितने भी मुश्किल हालातों में पहुँच जाए, लेकिन कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तुम सिर्फ इतना बताओ, तुम मेरे साथ चलोगी ना? और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी उसने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। और फिर आकाश ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, फिर मैं कुछ सोचता हूँ, यहाँ से कैसे निकलें? उस लड़की ने रोते हुए कहा, यहाँ बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, उन्हें खोलकर यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। जब तक हमारे पास चाबियाँ नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं निकल सकते। और जैसे ही ये बात आकाश ने सुनी तब आकाश ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसने एक चाबियों का गुच्छा निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, क्या वो चाबियाँ ऐसी दिखती हैं? और फिर जैसे ही उस लड़की ने चाबियों का गुच्छा देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आकाश के पास वो चाबियों का गुच्छा कैसे आया। और उस लड़की ने पूछा, हाँ यही चाबियाँ हैं, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई? और फिर आकाश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ मार खा रहा था? जब वो आदमी मुझे मार रहा था तब मैंने चुपके से चाबियाँ उससे ले ली। इतनी मार खाई, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना? तभी वहां पर वो आदमी आया, उसने हाथ में खाने की थाली ले रखी थी और उसने उस थाली को पिंजरे में डालते हुए कहा, ये लो खाना खा लो। और ये कहकर वो आदमी वहां से जा ही रहा था तभी आकाश ने कहा, भैया आपने खाना खा लिया क्या? और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी उसके चलते हुए कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे आकाश से पूछा, मैंने तुम्हें इतना मारा फिर भी तुम ये बात पूछ रहे हो? और जब ये बात आकाश ने सुनी तब आकाश ने कहा, तो क्या हो गया भैया, आपने मुझे अपने मन से थोड़ी मारा है, आपको तो उस औरत ने कहा था ना मारने के लिए। मैं समझ सकता हूँ आपकी भी कोई मजबूरी होगी, आपको उस बूढ़ी औरत की बात माननी पड़ती है,
जैसे ये बात आकाश ने कही तब उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने आकाश को देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी मजबूरी है कोई? और फिर आकाश ने कहा, भैया कोई भी बुरा काम अपने मन से नहीं करता, और जो करता है वो इंसान नहीं होता। और आप मुझे खाना देने आए हैं, इसका मतलब आपकी भी कोई मजबूरी होगी। और फिर उस आदमी ने रोते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, मेरा एक 5 साल का बेटा है जो कि बचपन से ही बीमार रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, और कोई भी काम करने के लिए मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा था कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। इसलिए मुझे मजबूरी में इस औरत का साथ देना पड़ा। और इसके बाद आकाश ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, मैं प्रार्थना करता हूँ। और फिर उस आदमी ने आकाश की तरफ देखा। आकाश के चेहरे पर और शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे, और उन निशानों को देखकर उस आदमी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि उसने एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा। और फिर उस आदमी ने कहा, मेरी बात सुनो, ये लो ये इस पिंजरे की चाबी है, मैं ये पिंजरा खोल देता हूँ रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। मैं इधर से उधर घूमता रहूँगा और तुम यहाँ से निकल जाना। और फिर आकाश ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, मैंने मजबूरी में बहुत गलत काम किए, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि जो भी मैंने किया वो बहुत गलत था, और अब मैं और गलत काम नहीं करना चाहता। मैंने इस बच्ची को भी बहुत परेशान किया, इसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, और अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तुम यहाँ से चले जाना। उस आदमी ने पिंजरा खोल दिया, और उसके बाद जैसे ही 11 बजे वो आदमी वापस आया और उसने हाथों से इशारा किया, और आकाश और वो लड़की समझ गए कि वक्त हो गया है। आकाश के पैर जख्मी थे इसलिए वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे उस लड़की के साथ जा रहा था। उसके पास चाबियों का गुच्छा पहले से ही मौजूद था। वो जितने भी दरवाजे लॉक्ड थे सबको खोल खोल कर आगे बढ़ रहे थे। तभी चलते चलते उस लड़की के कदम रुक गए, और आकाश ने कहा, क्या हो गया, तुम रुक क्यों गई? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, हमारे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत को काला जादू आता है और वो हमें आसानी से पकड़ लेगी, हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। और फिर आकाश ने कहा, कोई तो रास्ता होगा कि हमें उस बुढ़िया से छुटकारा मिल सके। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, वो बुढ़िया 300 साल की है और उसे बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। जैसे ये बात आकाश ने सुनी उसका दिमाग घूम गया, और उसने उस लड़की से पूछा, क्या 300 साल? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 300 साल इतना कोई इंसान थोड़ी जीता है। जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, वो बुढ़िया 300 साल की है क्योंकि उसे काला जादू आता है। वो आसाम के जंगलों में रहा करती थी, और कहते हैं कि वहीं पर रहकर उसने काला जादू सीखा,
वो हमारे गांव में रहा करती थी और काला जादू करती थी, और जब गांव वालों को पता चला तब वो मेरे पापा के पास आए, क्योंकि मेरे पापा गांव के सरपंच थे, और जब उन्हें इस बात का पता चला तब उन्होंने उस बुढ़िया को वहां से भगा देने का फैसला किया, और फिर सारे गांव वालों ने मिलकर उस बुढ़िया को वहां गांव से भगा दिया। लेकिन वो भागकर एक जंगल में चली गई और अपने काले जादू को उसने जारी रखा, और जब मैं पैदा हुई थी और जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, तब उस बुढ़िया ने मेरे पापा से बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया और उसने मेरे मम्मी पापा को मरवा दिया, और धीरे धीरे उसने काले जादू से पूरे गांव को ख़त्म कर दिया। सारे गांव के लोग मारे गए, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे जगह जगह ले जाकर मुझे खतरनाक खेल दिखाने के लिए मजबूर किया, और तब से मैं इसकी कैद में हूँ। मैं इस बुढ़िया को रोज़ काला जादू करते हुए देखती थी, और काले जादू से इसकी उम्र बढ़ती जाती है। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि एक चीज़ है उसे काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखती है, वो एक गुड़िया है। मैंने सुना है कि उस बुढ़िया की जान उसी गुड़िया में बसी हुई है। जब तक उस गुड़िया को संभाल कर रखा जाएगा तब तक उस बुढ़िया को कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी बातें सुनकर आकाश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वो दोनों बचकर कहीं भी चले जाते, लेकिन वो बुढ़िया अपने काले जादू से उन्हें पकड़ ही लेती। तभी आकाश के दिमाग में एक प्लान आया और उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो बुढ़िया उस गुड़िया को कहाँ रखती है? और फिर उस लड़की ने कहा, वहीं उसी टेंट में जहाँ वो काला जादू करती है। आकाश ने चारों तरफ नज़रें घुमाई और तभी उसका ध्यान एक बड़ी सी बोतल पर गया, और उसने उस बोतल के पास जाकर देखा और उसका ढक्कन खोला। तब उसके दिमाग में एक प्लान आया। आकाश के पैरों में चोट तो काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उस लड़की को लेकर वहाँ से निकलना है। आकाश ने दर्द को सहते हुए उस बड़ी सी बोतल को अपने कंधे पर उठाया और चुपचाप उस लड़की के साथ उस टेंट के बाहर गया जहाँ पर वो औरत काला जादू करती थी। आकाश ने उस बोतल का ढक्कन खोला और उसमें जो लिक्विड था उसे उस टेंट के चारों तरफ गिराने लगा, और ये देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि उसे पता था अब क्या होने वाला है। आकाश ने उस लिक्विड को चारों तरफ टेंट के बिखेर दिया और बाकी का बचा हुआ टेंट के ऊपर घेर दिया। तभी उस लड़की ने आकाश का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक कोने में ले गई, और फिर आकाश ने कहा, क्या हो गया? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा, वो बुढ़िया आ रही है, चुपचाप रहो। तभी आकाश ने देखा वो बुढ़िया वहां से गुजर रही थी, लेकिन वो टेंट से दूर थी। उस लड़की ने आकाश का हाथ पकड़ा हुआ था और फिर आकाश ने कहा, तुम्हारा हाथ तो बहुत गर्म है, मजा आ रहा है, पकड़ के रखो। और फिर उस लड़की ने कहा, चुप, इतने सीरियस माहौल में भी तुम ऐसी बात कर रहे हो, चुप। और आकाश मुस्कुराने लगा। वो बुढ़िया वहां से धीरे धीरे चल के गुजर गई। आकाश ने उस लड़की से कहा, तुम यहां से भाग जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, समझी? और फिर उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं तुम भी साथ में चलो, तभी मैं जाऊंगी। लेकिन तुम करने क्या वाले हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
तुमने ये लिक्विड इस पूरे टेंट के अगल बगल बिखेर दिया, इससे होगा क्या? और फिर आकाश ने कहा, चलो चलो यहां से चलते हैं। अभी ये बुढ़िया हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। वो लड़की और आकाश वहां से जैसे तैसे करके निकलने लगे। लड़की थोड़ी आगे निकल गई, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि आकाश उसके पीछे नहीं है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई, और वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि आकाश की ही थी। आकाश ने चिल्लाते हुए वहां कहा, सुनो बूढ़ी औरत, तुम जहां कहीं भी हो यहां आ जाओ। तभी वहां पर वो बूढ़ी औरत आई और उसने आकाश को आजाद देखा। और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, कमीना बाहर कैसे निकला तू? और फिर आकाश ने उस बुढ़िया से कहा, मैं कैसे बाहर निकला उस बारे में मत सोचो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, तुमने जितने भी लोगों को काले जादू के कब्जे में रखा हुआ है सबको आजाद कर दो, वरना। और फिर उस बुढ़िया ने कहा, वरना क्या कर लेगा छोटा टिंगू तू है? और फिर आकाश ने हंसते हुए कहा, देखो मैं जो भी करूंगा बहुत ज्यादा भयानक करूंगा, इसलिए चुपचाप से जो मैं कह रहा हूं वो बात मान लो। जैसे ही ये बात उस बुढ़िया ने सुनी, उस बुढ़िया ने कहा, अच्छा तो क्या करेगा, रोते हुए दिखाएगा, आंसू बहाएगा? जो करना है कर ले, समझा? और फिर आकाश ने कहा, ठीक है, मैंने इस टेंट के चारों तरफ कैरोसीन बिछा दिया है और इस टेंट के ऊपर काफी सारा कैरोसीन गिरा दिया है, और एक माचिस की तिल्ली इस पूरे टेंट को जलाकर राख करने के लिए काफी है। और मैंने सुना है कि कोई गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है, तो अब तुम अंदाजा लगा लो कि इस टेंट के साथ वो गुड़िया भी जल जाएगी और उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। जैसे ही ये बात उस बुढ़िया ने सुनी, उसके होश उड़ गए और उसने कहा, हे खबरदार खबरदार खबरदार, अगर तूने कुछ करने की सोची भी, तुझे अंदाजा नहीं है मैं क्या करूंगी तेरा, चुपचाप से भाग जा, मैं तुझे एक जीवन दान देती हूँ, भाग जा यहाँ से, तुझे मौका देती हूँ यहाँ से भागने का, भाग जा यहाँ से, समझा? तूने अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो अंजाम बहुत भयानक होगा, समझा? और फिर आकाश ने कहा, मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है, मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वही करो, जितने भी लोग काले जादू के कब्जे में है तुम्हारे सबको आजाद करो, वरना। वो बुढ़िया काफी ज्यादा घबरा गई और उसने कहा, ठीक है सबको करती हूँ आजाद, लेकिन लेकिन तू कुछ नहीं करेगा, समझा? उस बुढ़िया ने कुछ मंत्र बोलना शुरू करे और वहां जितने भी लोग थे जो कि उस सर्कस में काम करते थे सब अचानक से चिल्लाने लगे, और उनकी चिल्लाने के साथ साथ सब बेहोश हो गए। थोड़ी देर में उनको होश आया और सब हैरान थे कि वो वहां पर आए कैसे, सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सबके सब वहां से निकल गए और उस बुढ़िया ने आकाश से कहा, ले ले करम जले, मैंने तेरी बात मान ली, सबको आजाद कर दिया, अब चला जा यहां से, छोड़ दे उस माचिस की तिल्ली को। आकाश ने चारों तरफ देखा, तब सारे वहां पर काम करने वाले जा चुके थे और वो लड़की एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रही थी। तभी आकाश ने एक माचिस की जलती हुई तिल्ली निकाली और उसे टेंट के ऊपर फेंक दिया, और कैरोसिन की वजह से वो टेंट पलक झपकते ही जलने लगा और आग काफी ज्यादा फैल गई, और वो बुढ़िया चिल्लाने लगी, ये क्या किया, ये क्या किया? कौन सा
प्रकाश वहां से धीरे धीरे जाने लगा और जैसे जैसे वो टेंट जल रहा था वैसे वैसे ही अचानक से वो बुढ़िया भी जलनी शुरू हो गई। इसका मतलब वो गुड़िया भी कब्जे में आ गई थी आग के। वो बुढ़िया आकाश को मारने के लिए उसके पास आ ही रही थी, लेकिन उससे पहले ही उसके हाथ पैर जल की राख में तब्दील होने लगे और वो बुढ़िया सिर्फ चिल्लाती रह गई। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। ये कहते हुए वो बुढ़िया राख में तब्दील हो गई और वो टेंट पूरा जलकर राख हो गया। आकाश धीरे धीरे उस लड़की के पास गया और वहीं पर गिर गया। आकाश ने उस लड़की से कहा, अरे मैंने क्या कहा था, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तब हम खुशी खुशी रहेंगे और वो बुढ़िया हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। और वो लड़की फिर रोने लगी और उसने रोते हुए कहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस बुढ़िया की कैद से आज़ाद हो पाऊंगी। तुम तो मेरे लिए भगवान के बराबर हो। और फिर आकाश ने कहा, चुप, ऐसा नहीं बोलते, भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, पति ज़रूर हूँ मैं, है ना, अभी नहीं, अभी तो हम छोटे हैं, लेकिन आगे चलकर। वो लड़की हंसने लगी और आकाश भी हंसने लगा। उन्हीं के सामने वो पूरा सर्कस जल के राख हो गया और वो पूरी रात उसी सर्कस को जलते हुए देखते रहे। तभी आकाश ने उस लड़की से पूछा, अरे एक बात तो हम दोनों ही भूल गए, तुमने अपना नाम भी नहीं बताया मुझे। और वो लड़की हंसने लगी और उस लड़की ने अपना नाम रिया बताया। आकाश ने जब उस लड़की का नाम सुना तब आकाश ने कहा, काफ़ी अच्छा नाम है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी अचानक से वहाँ एक काला सा धुआं उठा और वो काला सा धुआं आसमान में जाकर रुक गया और उस काले से धुएं से आवाज़ आई, मैं वापस आऊंगी, वापस आऊंगी, अपना बदला लूंगी, वापस आऊंगी। और वो काला धुआं वहां से गायब हो गया। रिया काफी ज्यादा डर गई और आकाश ने कहा, अरे डर क्यों रही हो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ये था पार्ट टू इस कहानी का। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आवाज़ और कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसका पार्ट थ्री चाहिए तो वो कमेंट में बता देना, मैंने कुछ अलग से हॉरर स्टोरीज जो है वो ऐड कर दी है, आप इन्हें भी ज़रूर सुनिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी, और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं कुछ और कहानियों को। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डरावनी घटना के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में मुझे बताया है मेरी एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है राधा, जो कि है रायबरेली से। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। वो बताती हैं कि ये बात है उस वक्त की जब वो अपने मामा के घर पे थी। उस टाइम पे रात के वक्त लाइट नहीं होती थी, ना ही इन्वर्टर होता था, जिसकी वजह से रात में लोग सिर्फ टॉर्च और लालटेन के सहारे रहते थे। उस वक्त बिजली नहीं होती थी, हर कोई अंधेरे के साए में जीने के लिए मजबूर रहता था। शाम के 6 बजे के बाद ही अंधेरा घना हो जाता था और सुंदर से सुंदर गांव एकदम वीरान हो जाता था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, पहले गांव में शौचालय की सुविधा भी नहीं होती थी, जो कि काफ़ी शर्मिंदगी की बात है, जिसकी वजह से गांव की औरतों को रात के वक्त खेतों में जाना पड़ता था, और ये काफ़ी शर्म की बात है। लेकिन खैर, धीरे धीरे अब सब कुछ बदल रहा है, गांव-गांव में शौचालय बन रहे हैं। लेकिन चलिए खैर,
अभी कहानी के ऊपर बात करते हैं। वो बताती हैं कि रात के वक्त जब उनकी घर की सारी औरतें खेतों में जा रही थी, तभी उनसे भी पूछा गया कि आप चलेंगी, जिनके जवाब में उन्होंने हाँ कहा और वो भी जा ही रही थी। तभी उन्होंने कहा कि मैं पानी लेकर आती हूँ, और सारी औरतें वहाँ से जाने लगी। राधा जी ने पानी की बोतल ली, राधा जी ने बोतल को लिया और खेतों की तरफ चल पड़ी। जब वो जा रही थी, तभी अचानक से उन्होंने ध्यान दिया कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। राधा जी ने सोचा कि शायद ये उनका वहम है, और वो आगे चल पड़ी। वो आगे निकली तो उन्होंने देखा जो बाकी औरतें थीं वो दिखाई नहीं दे रही थीं। राधा जी को लगा कि शायद राधा जी ने काफ़ी देर कर दी है पानी लेने में, इसलिए सारी औरतें आगे निकल गई हैं। राधा जी भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। उन्हें यही लग रहा था कि थोड़ी दूर चलने पे जो बाकी की औरतें हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी आगे चलने के बाद भी उनको उनके घर की कोई भी औरत नहीं मिली। गांव पूरा सुनसान हो गया था और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा घना था, हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। तभी उन्होंने एक औरत को जाते हुए देखा और उनको लगा कि शायद वो औरत और कोई नहीं, उनकी मासी है। और फिर राधा जी उस औरत के पीछे चल पड़ी और उसका पीछा करने लगी। वो औरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधा जी ने उस औरत को बार बार आवाज़ लगाई, लेकिन वो औरत बार बार राधा जी को अनसुना करके आगे चले जा रही थी। राधा जी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो मासी है, क्योंकि वो उस अनजान औरत को अपनी मासी समझ रही थी। राधा जी को ऐसा लग रहा था कि उनकी मासी उनसे नाराज़ है, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। राधा जी उस औरत का पीछा करी जा रही थी, और वो औरत है रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और वो भी चले जा रही थी। राधा जी काफ़ी ज़ोरों से मासी मासी करके चिल्ला रही थी, लेकिन उस औरत ने पलट के कोई जवाब नहीं दिया और वो चलती रही। वो चलते चलते खेत में चली गई और उसके पीछे पीछे राधा जी भी चली गई। वो औरत खेतों में घुसे चली जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और राधा जी भी उसी का पीछा कर रही थी। बार बार चिल्लाने पे भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी वो औरत। और आखिरकार वो औरत रुकी और राधा जी उस औरत के पास गई और उन्होंने कहा, अरे मासी, मैं आपको कब से आवाज़ दे रही हूँ, आप रुक क्यों नहीं रही? आपकी वजह से मैं कितना थक गई हूँ, आप तो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब राधा जी ये सारी बातें बोल रही थी तो उनकी नज़र उस औरत के पैरों पे गई, तो राधा जी ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे। और जब राधा जी ने ये देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई, और जैसे ही राधा जी चीख पड़ी, वो औरत वहाँ से तेज़ी से भागने लगी। वो औरत एक पीपल के पेड़ के पास जाके रुकी और उसने राधा जी को पीछे मुड़कर देखा, और राधा जी ने उस औरत की शक्ल देखी तो उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। और उसकी शक्ल देखने के बाद राधा जी पसीने से भीग चुकी थी, और वो औरत देखते ही देखते उस पीपल के पेड़ के ऊपर ऐसे चढ़ने लगी जैसे कोई जानवर चढ़ता है। और उस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर वो औरत कहाँ गायब हो गई, राधा जी को कुछ भी समझ नहीं आया। और उस पेड़ के आसपास से काफ़ी डरावनी हंसी की आवाज़ें आने लगी। राधा जी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और जैसे तैसे अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागी। राधा जी जब अपने घर पहुँची और अपने घर वालों को ये सब बताया तो सबके होश उड़ गए, और राधा जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। कई दिनों तक उन्हें बुखार रहा और काफ़ी इलाज के बाद वो ठीक हो पाई, लेकिन वो रात और वो औरत का डरावना सा चेहरा आज भी राधा जी को काफ़ी ज़्यादा डराता है। और वो कहती हैं कि वो उस रात के बारे में सोच कर ही कांप उठती हैं, और वो दुआ करती हैं कि कभी उनकी ज़िंदगी में वैसी कोई डरावनी रात वापस ना आए। तो ये घटना थी जो कि मेरी सब्सक्राइबर के साथ घटी थी, जिनका नाम है राधा। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस डरावनी घटना के बारे में मुझे बताया। और अगर आपको भी
कोई ऐसी डरावनी घटना के बारे में मुझे बताना है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये बात है जम्मू के खटवा सिटी के पास बसे एक गांव बिलावर की। बिलावर गांव में एक जगह थी जिसका नाम था बानी। वरुण वहीं से जा रहे थे। रात का वक्त था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, अंधेरा हर जगह था। वरुण उस सुनसान रास्ते पे अकेले अकेले अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे सर के किसी ने एक छोटा सा पत्थर मारा। उन्होंने पीछे मुड़के आसपास देखा तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। पहले तो उन्हें ये सब अपना वहम लगा और वो आगे चलते रहे। उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। उनकी मंजिल थी उनका घर, जो कि अभी बहुत दूर था, इसलिए वो चले जा रहे थे। वरुण ने अपनी जिंदगी में इतना सुनसान और डरावना रास्ता कभी नहीं देखा था। वो सुनसान रास्ता ऐसा था कि जैसे अभी पता नहीं कहां से भूत प्रेतों की बारात उस रास्ते से निकलने लगी। इतना डरावना मंजर होने के बावजूद भी वरुण काफी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से उन्हें एक आदमी नजर आया और उस आदमी को देख के वरुण को थोड़ा चैन मिला। उन्हें लगा कि चलो अब डर थोड़ा कम होगा। वरुण को ऐसा लगा कि इनके साथ बातें करते करते आगे चलते रहते हैं, डर भी कम लगेगा और साथ ही साथ रास्ता भी कट जाएगा। वो उस आदमी के पास पहुंचे ही थे तभी उन्होंने उस आदमी की शक्ल देखी। उस आदमी की शक्ल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक था। इसी वजह से वरुण ने उससे बात करने का फैसला तुरंत कैंसिल कर दिया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन उस आदमी ने वरुण को देख लिया और कहा कि कहाँ जा रही हो? वरुण ने तो सबसे पहले इस बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने उस आदमी को इग्नोर किया क्योंकि वो आदमी शक्ल से ही ठीक नहीं लग रहा था। वरुण काफी आगे तक आ गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी वहां पर नहीं था। उन्हें थोड़ी चैन की सांस आई कि चलो उस आदमी से तो पीछा छूटा। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने देखा कि वो आदमी उनसे आगे है। इतना भयानक मंजर देख के वो थोड़ा घबरा गए क्योंकि वो आदमी तो उनके काफी पीछे था और अचानक से वो उनके आगे कैसे आ गया। वरुण इसी बात को सोच रहे थे तभी अचानक से वो आदमी उनके पास आकर बोला कि कहाँ जा रहे हो, मुझे भी बताओ, क्या पता हमारी मंजिल एक ही हो। वरुण ने भी हिम्मत करके कहा कि मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ और वो घर बहुत दूर है और मुझे जाना है, अभी मुझे देर हो रही है, इसलिए मुझे जाने दो, मेरे पास फालतू समय नहीं है आपसे बात करने के लिए। तभी अचानक से वहां बिजली कड़कने लगी और मौसम खराब होने लगा, तेज हवाएं चलने लगी और उस आदमी ने कहा कि मौसम खराब हो गया है, हमारे साथ हमारे घर चलिए, जब मौसम ठीक हो जाए तब अपने घर की ओर निकल जाना। वरुण उस आदमी के घर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वरुण ने मना किया। देखिए, मैं आपके घर नहीं जाना चाहता, आपने इतना मेरा ख्याल रखा, मेरे बारे में इतना सोचा, उसी के लिए धन्यवाद। अब मुझे अपने घर जाने की इजाज़त दीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वरुण कुछ कदम चला ही था तभी अचानक से उस आदमी ने वरुण के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि ऐसे कैसे, तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। उस आदमी ने वरुण को धमकाते हुए कहा कि अगर वो नहीं गया तो वो वरुण को वहीं मार देगा। वरुण पहले तो थोड़ा घबरा गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो उस आदमी के साथ चलने लगे और काफ़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो आदमी एक झोपड़ी के आगे रुक गया जो कि जली हुई थी। उस आदमी ने कहा कि गरीब की कुटिया में स्वागत है आपका, आइए हमारे घर में, अपने कदम रखिए। वरुण को उसका घर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। उसका घर बाहर से ही जला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई इंसान तो रह ही नहीं सकता, तो ये आदमी न जाने कैसे रह रहा है। वरुण ने उस आदमी से कहा कि वो टॉयलेट करके आ रहा है और फिर उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि साहब जल्दी आइएगा, यहाँ पर जंगली जानवर बहुत घूमते, क्या पता आपको खा जाए। वरुण को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी और वो टॉयलेट करने के लिए चले गए। लेकिन टॉयलेट करना तो सिर्फ बहाना था, जैसे ही वो थोड़ा दूर पहुंचे वो वहां से भागने लगे। उन्हें पता था कि वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो थोड़ा साइको है, वो हो सकता है
वरुण को नुकसान पहुंचा दे। यही सब सोच के वो वहां से भागने लगे, लेकिन वो जितनी भी तेज भाग रहे थे उनके कानों में एक ही आवाज आ रही थी, कोई फायदा नहीं है साहब, मत भागी, मत भागी साहब, मत भागी। वरुण काफी तेजी से भागता हुआ काफी किलोमीटर बाद उसने रुकने का फैसला किया और उसने चैन की सांस ली। वो सुनसान रास्ता अभी भी जारी था, तभी अचानक से उस आदमी ने उसके कान में कहा कि साहब क्यों अपनी ताकत पर बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना भागने का कोई फायदा नहीं है, भागिए मत। वरुण ये सुन के और भी तेज भागने लगा और तभी अचानक से उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि वो अजीब सा दिखने वाला आदमी वरुण के आगे है और वो वरुण को देखता हुआ बोला कि साहब आप बात क्यों नहीं मानते, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पे। वरुण फिर से भागने लगे, तभी अचानक से उस आदमी ने वरुण का गला पकड़ लिया और काफी तेजी से घोटने लगा। वरुण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो आदमी पागलों की तरह हंसे जा रहा था। वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या करे क्या करे। तभी अचानक से उनके पॉकेट में एक लाइटर था और डूबते हुए को तिनके का सहारा, यही सोचकर उन्होंने वो लाइटर निकाला और वो लाइटर कांच का था। वरुण को लगा कि वो उस लाइटर को उस आदमी के सर पे मार के फोड़ देगा, वो आदमी वरुण के गले को छोड़ देगा और वरुण वहां से भाग पाएगा। लेकिन जैसे ही वरुण ने उसके सर पे उस लाइटर को मारने की कोशिश की तो उसका हाथ आर पार हो गया। ये देखकर वरुण काफी ज्यादा घबरा गया और उसे पता चल गया था कि ये कोई इंसान नहीं है। वरुण का दम घुट रहा था और उसने ऐसे ही दम घुटने की वजह से उस लाइटर को जला दिया और उस लाइटर को जलता हुआ देख के वो आदमी वहां से पागलों की तरह चिल्लाता हुआ भागने लगा। वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, लेकिन वो ऊपर वाले का शुक्र मना रहा था कि उसने सही टाइम पे लाइटर चला दिया। वो आदमी उस लाइटर को देख के भाग रहा था, उस लाइटर में जो आग थी वो आदमी उससे काफी ज्यादा डर रहा था और इसी बात का फायदा उठा के वरुण उस आदमी को अपने से दूर भगा रहा था। और वरुण ने जब देखा कि वो आदमी उसके आसपास नहीं है तो कई किलोमीटर तक भागने के बाद वो रास्ता कंप्लीट हुआ और फिर वो थकान के मारे वहीं पर चक्कर खा के बेहोश हो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने कई सारे लोगों को देखा जो कि गांव वाले थे। और फिर वरुण ने अपने साथ खटी उन सारी बातों को बताया और फिर उन सारे गांव वालों ने बताया कि उस सुनसान सड़क के बीचों बीच एक झोपड़ी थी जो कि एक शराबी इंसान की थी और वो शराबी इंसान उस पूरे सुनसान सड़क पर रात भर घूमता रहता था। और एक रात उसकी झोपड़ी में किसी ने आग लगा दी और वो उस आग में जल के मारा गया। तब से कहा जाता है कि उस आदमी की आत्मा उस सुनसान सड़क पर घूमती रहती है, उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सिर्फ आग। ये सुनते ही वरुण के सांस में सांस आई कि आखिरकार उसके पास लाइटर था और वो शुक्र मनाने लगा कि वो बच गया। वो यही सोच के घबराए जा रहा था कि अगर उसके पास लाइटर ना होता तो उसका दम तो वो आदमी घोट ही देता। और उस दिन के बाद से वरुण उस रास्ते की तरफ चलना तो क्या देखना भी पसंद नहीं करते और उस रास्ते का नाम सुनते ही उनकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मंजीत को एक अर्जेंट डिलीवरी करनी थी जिसकी वजह से वो दिल्ली से मध्य प्रदेश की ओर निकला था।
उसके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए वो काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रहा था। उसने नींद भी नहीं ली थी, इसी चक्कर में वो सिर्फ ट्रक को ड्राइव करे जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि जल्दी से जल्दी बस अपने इस माल को डिलीवर किया जाए, क्योंकि वक्त जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था और अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना था। इसलिए बिना सोए और बिना अपना ख्याल रखे मंजीत अपने काम के ऊपर फोकस था और अपनी मंजिल की ओर चले जा रहा था। ट्रक चलाते चलाते उसे रात हो गई। उसने ट्रक चलाना जारी रखा और उसने गाड़ी को नहीं रोका। ट्रक चलता रहा। तकरीबन रात के 11 बजे उसने ध्यान दिया कि ट्रक थोड़ा धीरे हो गया है, ट्रक ठीक से चल नहीं रहा था। उसे पता चल गया था कि ट्रक हैवी लोड की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा है और नीचे कोई पार्ट वगैरह भी खराब हो गया है। मंजीत को ट्रक की अच्छी खासी जानकारी थी, इसलिए उसने ट्रक को एक जगह पर रोका और वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। मंजीत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने खराब ट्रक को चलाने के बजाय उस सुनसान रास्ते पे अपने ट्रक को ठीक करके सही ट्रक को ही आगे ले जाना सही समझा और उसने ऐसा ही किया। वो ट्रक को साइड में लगा के तुरंत ट्रक से नीचे उतरा और फिर ट्रक के नीचे घुस के उस पार्ट की चेकिंग करने लगा जिसके खराब होने का उसे अंदाज़ा था। उसने उस पार्ट को चेक किया तो वो पार्ट सच में खराब हो गया था। मंजीत उस पार्ट को चेक कर ही रहा था तभी अचानक से उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है। जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसे लगा कि शायद कोई आया है और उसने ट्रक के बाहर झांक के देखा तो वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ था तो सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। फिर मंजीत को लगा कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो वापस से उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए लग गया। लेकिन कुछ सेकेंड बाद ही वो कदमों की आवाज़ वापस आने लगी। मंजीत ने वापस बाहर झांक के देखा और अभी भी वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मंजीत को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने कानों से किसी के चलने की आवाज़ उसने सुनी थी, लेकिन अब वो अपनी आंखों से देख रहा है पूरी जगह, हर जगह, तो वहां कोई भी नहीं था। तभी मंजीत का ध्यान उस सुनसान सड़क पर गया। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और ये माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मंजीत को लगा कि जल्दी से पार्ट ठीक करके वहां से निकलने में ही भलाई है और वो जल्दी जल्दी उस पार्ट को ठीक करने लगा। तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें आई। मंजीत तुरंत बाहर निकला और उसने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तो ये आवाज कहां से आई? मंजीत को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा कि पार्ट को तो बाद में ठीक कर लेंगे, पहले यहाँ से निकला जाए, इसलिए वो तुरंत उस अपने ट्रक में बैठा और उसने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। मंजीत को लगा कि शायद उसने जिसकी वजह से ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा और वो तुरंत ट्रक से फिर नीचे उतरा और फिर वो वापस से चेकिंग करने लगा कि आखिर क्या खराबी रह गई, उसने कौन से पार्ट को दोबारा नहीं लगाया जिसकी वजह से ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा। लेकिन उसने ध्यान से देखा तो हर चीज़ अपनी जगह परफेक्ट थी, लेकिन फिर ट्रक स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? और वो जब नीचे चेकिंग कर रहा था तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आई। मंजीत फिर से डरता हुआ बाहर निकला और उसने इस बार देखा तो कहीं दूर एक शराबी जिसके हाथ में दारू की एक बोतल थी, वो लड़खड़ाता हुआ चले जा रहा था और वो चलता हुआ मंजीत के ट्रक की तरफ ही आ रहा था। लेकिन घबराने वाली बात तो ये है कि उतनी दूर से उसके गुनगुनाने की आवाज़ यहाँ तक कैसे आ रही है? मंजीत के कानों में वही आवाज़ आ रही थी। वो शराबी चलता हुआ मंजीत के पास आया और उस शराबी से दारू की इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि मंजीत का मूड खराब हो गया। उसने उस शराबी को इग्नोर करना ही ठीक समझा
लेकिन उस शराबी ने मनजीत को देखा और बोला कि पियोगे क्या भाई? हाँ, अंग्रेजी है मेरे पास, पियोगे क्या? मजा नहीं आया ना तो बोलना। मनजीत को यह बात सुन के काफी गुस्सा आया और उसने कहा कि भट बेवड़ा कहीं का, चला जाए यहां से, मूड मत खराब कर, मेरा ट्रक वैसे ही स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर उस शराबी ने बोला कि तो इसमें घबराने की क्या बात है, मैं ठीक कर देता हूँ, मुझे बस थोड़ा पीने के पैसे दे देना। अरे मैं रिपेयरिंग का ही काम करता हूँ, मैं तुम्हारे ट्रक को ठीक कर दूंगा, बस पीने के पैसे दे देना। मनजीत को शराबी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो उस टाइम मजबूर था। उसे लगा कि क्या शायद ये सच में काम करता हो ट्रक रिपेयर का, और शायद कर दे। और उसे मनजीत को वहाँ से निकलने का बस मौका चाहिए था, वो वहाँ रहना नहीं चाहता था, वो काफ़ी डरावनी जगह थी, इसलिए उसने उस शराबी को हाँ कर दिया। और फिर वो शराबी ट्रक के अंदर घुस गया और फिर गुनगुनाता हुआ उस ट्रक को ठीक करने लगा। उस शराबी को ट्रक के नीचे 10 मिनट बीत गए और फिर मनजीत को ऐसा लगा कि आखिर क्या हो गया, वो शराबी नीचे ट्रक के कर क्या रहा है इतनी देर से। और फिर जब मनजीत ने नीचे देखा ट्रक के, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि ट्रक के नीचे कोई था ही नहीं, वो शराबी आखिर कहाँ गया। मनजीत आसपास देखने लगा, उस शराबी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तभी अचानक से मनजीत के कानों में एक आवाज़ आई, चला कर देखो साहब, परफेक्ट हो गया। मनजीत इतना ज्यादा घबरा गया कि उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। वो वापस ट्रक में बैठा और उसने ट्रक स्टार्ट किया, तो ट्रक स्टार्ट हो गया। ये देखकर मनजीत की आंखें और चौड़ी हो गई, लेकिन उसके पास अभी घबराने का वक्त नहीं था। उसने ट्रक तुरंत चालू करके वहां से निकलना ही ठीक समझा, लेकिन उसने एक गलती कर दी, और वो गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी उसका उसे अंदाजा ही नहीं था। वो काफ़ी आगे तक आ गया, लेकिन तभी अचानक से उसकी नींद उड़ा दे वही आवाज़ वापस से उसके कानों में आई। क्या साहब, काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए, ऐसा क्यों करते हो साहब? मनजीत चारों तरफ देखने लगा, वो पूरा अकेला था, वो अकेले ही ट्रक ड्राइव कर रहा था। लेकिन फिर ये शराबी की आवाज आ कहां से रही थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। मनजीत ट्रक चलाता रहा, लेकिन तभी अचानक से वो शराबी चलता हुआ उस ट्रक के सामने आने लगा। उस शराबी को अचानक से अपने ट्रक के सामने देखकर मनजीत के दिमाग ने फिर से काम करना बंद कर दिया, और अचानक से उसने एक जोरदार कट खिलवा दिया ट्रक को, जिसकी वजह से उसका ट्रक पलट के गिर गया और मनजीत के सर में इतनी गहरी चोट आई कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली और उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा, तो उसे जान में जान आई, वो उस रास्ते से काफ़ी दूर आ गया था। और उसने अपनी जेब और पॉकेट चेक किए कि कोई चोरी वगैरह तो नहीं हुई, तो उसके पॉकेट में से सिर्फ 200 रुपये गायब थे और उसके पॉकेट में एक चिट्ठी थी। चोर नहीं हो साहब, मेहनत का पैसा लिया है। हम्म